मोस्ट वेलकम। मेरे नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सनी पाजी को लेकर, सनी पाजी की अपकमिंग फिल्म को लेकर। 2023 सनी पाजी छा गए थे जब वो भाई गदर 2 लेके आए थे, लेकिन सनी पाजी फिर छाने वाले हैं। बेसिकली सनी पाजी की जो अपकमिंग फिल्म है लाहौर 1947 है, उसको लेकर भाई अपडेट देने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि लाहौर 1947 का जो प्रोड्यूसर है भाई आमिर खान है, और बेसिकली इस फिल्म को जो डायरेक्ट कर रहे हैं राजकुमार संतोषी कर रहे हैं। बेसिकली आप सभी जानते हैं राजकुमार संतोषी और सनी पाजी जब भी साथ आते हैं तो बॉक्स ऑफिस चलाते हैं, बारिश करते हैं पैसों की, और दोस्तों ज़बरदस्त मूवी लेके आते हैं, क्योंकि दोनों का कोलेब्रेशन ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ राजकुमार संतोषी और बेसिकली सनी पाजी के लंबे समय के बाद साथ आ रहे हैं, और बेसिकली इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो आप सभी जानते हैं भाई आमिर खान है। बेसिकली फिल्म की जो कहानी है वो भी देशभक्ति पर आधारित है। कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंदर दिखाया जाएगा कि बेसिकली किस प्रकार एक जो परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है जो भाई लखनऊ से बेसिकली सेटल होता है लाहौर में जाकर, वहाँ पर उनको जो घर मिलता है वो बेसिकली किसी हिंदू फैमिली का होता है, और सारा उस समय हिंदू परिवार उस घर को छोड़कर चला जाता है, बट उसी हिंदू परिवार की एक महिला भाई वहाँ पर रह जाती है। तो दोस्तों किस प्रकार उनके बीच में जो स्ट्रगल है वो दिखाया जाएगा। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं एक हिंदू परिवार के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी। इस फिल्म को लेकर हाल ही के अंदर एक ट्रेन सीक्वेंस सीन भी शूट किया गया था, जहाँ पर ये दिखाया गया था कि जब देश का विभाजन होता है, देश के विभाजन के दौरान आप सभी जानते हैं कि कितनी भयंकर दोनों देशों के बीच में भाई रिलेशन ख़राब हुए थे। बहुत सारे लोग थे जिन्हें अपना देश छोड़कर या तो उधर जाना पड़ा था या बॉर्डर के इस पर आना पड़ा था। उस दौरान कितने भयंकर हालात थे, कितने ख़राब हालात थे दोस्तों, उन सबको दिखाया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सनी पाजी की जो फिल्में होती हैं बेसिकली देशभक्ति पर आधारित होती है, एक यूनिक स्टोरी दिखाता है, और सनी पाजी की यही विशेषता है कि देशभक्ति और यूनिक एंगल की वो फिल्में बनाते हैं। तो दोस्तों ये लाहौर 1947 भी एक देशभक्ति और एक यूनिक स्टोरी वाली कहानी फिल्म होने वाली है, जिसके अंदर सनी पाजी लीड रोल निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और उनके साथ एज ए एक्ट्रेस अब लंबे समय बाद प्रीति जिंटा लौट रही है। तो सनी पाजी और प्रीति जिंटा की जो लीड रोल है वाली भूमिका है वो इस मूवी के अंदर आपको देखने को मिलने वाली है। फिल्म की कहानी भाई ज़बरदस्त होगी, मान सकते हैं। फिल्म के अंदर जो सॉन्ग होंगे वो भी भाई ज़बरदस्त होंगे। तो फिल्म कहीं ना कहीं भारत पाक का जो विभाजन हुआ था, जी हाँ दोस्तों, उस दौरान जो अराजकता फैली थी, जो एटमॉस्फेयर ख़राब हुआ था, उस चीज़ को दिखाया जाएगा। वहीं फिल्म के अंदर बहुत सारा इमोशंस का तड़का भी डाला गया है, यानी कि जब एक देश के लोग अलग अलग देश के अंदर पढ़ते हैं तो भाई आप समझ सकते हैं कि लोगों के अंदर कैसी भावनाएं होती हैं। जो लोग साथ रहते थे बट अब उनको सेपरेट रहना पड़ेगा, तो वो इस मूवी के अंदर काफ़ी दिखाया जाएगा। लेकिन बेसिकली इस फिल्म से रिलेटेड सनी पाजी तो है ही, और सनी पाजी की जो बेटी करण है उनको भी एक अच्छा खासा भाई इस फिल्म के अंदर दिया गया है एज ए नेगेटिव करेक्टर के लिए। यहाँ पर अभिमन्यु है, वो यहाँ पर नेगेटिव करेक्टर का रोल निभाते प्ले करेंगे। लेकिन इस फिल्म को लेकर अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है, आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म की भाई शूटिंग रैप अप हो चुकी है। लेकिन हाल ही के अंदर आप जानते हैं कि आमिर खान भाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इस फिल्म के लिए जो पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा था उसके ऊपर बेसिकली आमिर खान ने कुछ सीन देखे, और आमिर खान को ये महसूस लगा कि कुछ सीन की दोबारा शूटिंग करने की ज़रूरत है। अगर उनको दूसरे एंगल से शूट किया जाए तो कहीं ना कहीं वो सीन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकते हैं और फिल्म को और ज़्यादा बज बन सकता है। तो फिर आमिर खान ने, जब आपको पता है पोस्ट प्रोडक्शन का काम अभी चल रहा था, सो आमिर खान ने कुछ सीन को दोबारा रीशूट, जी हाँ दोस्तों, कुछ सीन को दोबारा फिल्माने का फैसला किया गया है। और फिर आमिर खान ने राजकुमार संतोषी से बात की कि भाई इतनी बड़ी फिल्म बना रहे हैं और यहाँ पर ये कुछ सीन है, उनको भाई दूसरे एंगल से अगर शूट किया जाए तो कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर और जान आ सकती है, फिल्म और इंटरेस्टिंग बन सकती है, फिल्म की कहानी और मोर इंटरेस्टिंग बन सकती है। सो भाई आप जानते हैं आमिर खान को मिस्टर परफेक्टनिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो हर काम को एक अलग तरीके से करते हैं, एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। सो भाई राजकुमार संतोषी भी उस चीज़ के लिए एग्री हो गए। सो फिर अभी सनी पाजी आप जानते हैं कि किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, तो सनी पाजी को कॉल किया गया, सनी पाजी भाई वापस आए, और सनी पाजी दोबारा इस फिल्म की जो शूटिंग है उस पर अब काम करने वाला है। मुंबई के अंदर जो महबूब स्टूडियो है, उस महबूब स्टूडियो के ऊपर एक बड़ा सेट तैयार किया गया है जहाँ पर इस फिल्म के लिए, जी हाँ दोस्तों, कुछ सीन है उनकी भाई शूटिंग की जाएगी। और कुछ सीन के साथ साथ इस फिल्म को लेकर, जी हाँ दोस्तों, एक सॉन्ग भी और जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहानी की डिमांड के अनुसार एक सॉन्ग को और जोड़ने की ज़रूरत है। तो भाई एक सॉन्ग और जोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर आमिर खान का भी भाई कैमियो होने वाला है एक सीन के अंदर। तो आमिर खान और सनी पाजी आपको भाई साथ दिखाई देंगे, जी हाँ दोस्तों, दोनों एक साथ दिखाई देंगे, यानी आमिर खान का भी एक स्पेशल, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि एक कैमियो हो सकता है या एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस रोल कन्फर्म होने वाला है। क्योंकि सनी पाजी ने कहा था भाई आमिर के साथ सनी पाजी
की भी एक ड्रीम थी और आमिर खान का भी एक ड्रीम था कि भी दोनों को एक साथ आना चाहिए और ये एक कभी भी वो साथ इस तरह मूवी के अंदर नहीं आए तो बेसिकली एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी जब सनी पाजी और आमिर खान किसी एक ही प्रोजेक्ट पर साथ नज़र आएंगे, किसी एक मूवी पर भाई साथ नज़र आएंगे। तो दोस्तों 1 दिसंबर से लेकर इस फिल्म की जो शूटिंग है वो महबूब स्टूडियो में की जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे एक सॉन्ग की शूटिंग होगी, कुछ सीन है उनकी भी शूटिंग की जाएगी। तो दोस्तों बहुत बहुत बड़ी फिल्म है। बेसिकली फिल्म को लेकर हम बात करें रिलीज डेट, तो 2025 के अंदर इसके रिलीज डेट की पॉसिबिलिटी है कि भाई लगभग 6 जनवरी जो होता है बेसिकली रिपब्लिक डे पर इस मूवी को रिलीज किया जाए। तो आप मान सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर कैसा होता है और देशभक्ति पर आधारित फिल्म, तो भाई आप समझ सकते हैं कि भोकाल आ जाएगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। दोस्तों बॉक्स ऑफिस के चीथड़े उड़ जाएंगे और जो कलेक्शन जो गिन रहे हैं, जो बहुत बड़े एक्शन स्टार बनते हैं साउथ के, वो बड़ा एक्शन स्टार, ये एक्शन स्टार, दोस्तों कोई भी एक्शन स्टार नहीं बचेगा जब सनी पाजी दहाड़ेंगे और बॉक्स ऑफिस थर थर कांपेगा। इस प्रकार का भोकाल मचने वाला है। लाहौर 1947 को लेकर आप कितना एक्साइटेड है देखिए। अगर सनी पाजी के डेडली फैन है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर।